रवि भाई ने 7 अलग अलग भाषाओं में तकरीबन भाई कितनी फिल्में, 600 फिल्में हो गई आपकी, क्या बात है। टीवी पे भी उन्होंने बहुत काम किया है, अब एमपी भी बन गए हैं भाई। कुर्सी की इम्पोर्टेंस जो है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, तो अगर हम कहें कि अर्चना जी को कुछ टिप्स देने हो तो आप क्या क्या देंगे? सही बताऊं कपिल भाई, जॉन मृणाल, मैं आप जेनरली नॉट अभी शो मजाक कॉमेडी नहीं जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ रहा था 45 डिग्री 47 डिग्री पूरा गर्मी में मैं झुलस गया था, हालत खराब थी, नाक से खून निकल जाता था चुनाव के प्रचार में। तू इतनी तपस्या के बाद चुनाव जीता, आपसे मैं जानना चाहता हूँ वो क्या गुण है कि बिगड़ चुनाव जीते आप कुर्सी पर। अगर मैं ये सीक्रेट तुम्हें यहाँ पर बता दूंगी इतने पब्लिक मंच पर, तो सिद्धू सुनकर वापस नहीं आ जाएगा। भाई जैसे आपकी बॉडी है, जैसे 5-6 दोस्तों में अगर एक दोस्त की ऐसी बॉडी हो ना, तो वो दोस्त को ना हमेशा एक स्पेशल टास्क मिल जाता है कि भाई मेरा पंगा हो गया, 2 मिनट चलेगा साथ में। आपको कभी भाई बोला किसी ने कॉलेज में ऐसे आपके दोस्तों ने? हाँ बोला है मुझे, और मैं कभी लाइफ में मैंने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। अच्छा, लेकिन मुझे सामने भेज दिया गया काफी बार ऐसे, खाली मॉरल सपोर्ट के लिए। मॉरल सपोर्ट के लिए तो मैं आगे जाके मैं एकदम अपने स्टाइल में बोलता हूँ, प्लीज मारा मारी मत करो, प्लीज फाइट मत करो, क्योंकि मुझसे नहीं होता है फाइट। भाई थोड़े दिन पहले एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था, मनोज भाई, मनोज तिवारी और निरहुआ आए थे, पता नहीं आपने एपिसोड देखा कि नहीं है आप? अच्छा मैया प्रणाम, मैया प्रणाम। तो वो कुछ आपके बारे में बता के गए थे हमें, उन लोग सांसें नहीं ले, उन लोग की जिंदगी अधूरी है मेरे बगैर। तो आपको दिखाना चाहते हैं रवि भाई कुछ? हाँ दिखा जी प्लीज। क्या बोले बदमाश लोग, क्या बोले? जब सीसीएल शुरू हो रहा था तो हम लोग पूरी टीम बना रहे थे, तो हमने रवि भैया को फोन किया, रवि किशन जी। अच्छा जी। भैया टीम बन गई है, हम लोग खेल रहे हैं और सीसीएल में बात हो गई हमारी, सुनील सर हमको मिल गए थे वहाँ, तो बोले अच्छा 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 बहुत अच्छा, चल चल तैयारी करते हैं, बैट बॉल सब खरीद लेते हैं। मैं बोला नहीं वो तो खरीद लिए। बोले कौन? बोले नहीं वो मनोज भैया खरीद लिए। बोले मैं नहीं खेलूँगा। क्यों? मैं बोला क्यों क्यों आप क्यों नहीं खेलेंगे? बोले अगर बॉल बैट उन्होंने खरीदा है, बॉलिंग भी वही करेंगे, बैटिंग भी वही करेंगे। सर एक और हाईलाइट है कि मुझे ये क्या काम देते हैं वहां पे, बोलते तू ना रवि जी के पास बैठ। क्यों? वो क्या है ना, वो बिना बोले उतर जाएगा तो पकड़ के रख। नहीं वो पहले ओवर से ही बैट पैड बैट पहन लेता, बोलता है मैं ओपनिंग करने जाऊंगा, और फील्डिंग में भी सोचते हैं चल भाई तू बैटिंग कर ले कहीं करा देंगे, बोलेगा कि मैं शुरू से फील्डिंग करूंगा। अब कैच उठ गया, अब कैच आया, पकड़ किधर किधर। ये है मनोज तिवारी जी और दूसरे दिनेश लाल यादव निरहुआ। ओके, इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया था। इन लोग को मुंबई मैं पहले से था, जैसे कि हमने अर्चना जी ने फिल्म भी की है साथ में, तो ये लोग आए। अब ये यहाँ पर आके शो में मैं नहीं हूँ तो मैं इनका भैया हूँ। इन लोग प्रणाम, इन लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए कि बाबा प्रणाम। मैं समझ रहा हूँ, तो ये आके यहाँ पर बोलने की ऐसे सब, मतलब मनोज को पहली बात तो गेंद मैं दिखाता था कि मनोज लेफ्ट में जा रही गेंद, भाग पकड़। इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोगों के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के पकड़ते। तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। तो ये मैं बोला ये क्या बेटा कहाँ जा रहा। तो अब समझ गए, क्योंकि मैं नहीं था इस शो में, तो लोगों ने समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। Well, अब वी आर कलीग एंड हम दोनों एक ही भारतीय जनता पार्टी से, हम लोग दोनों, हम लोगों में प्यार बहुत है, हम लोग वी वर राइवल्स, हम लोग 13-14 साल राइवल थे बहुत बड़े वाले, अब तो सब प्यार है और अब साथ में रहते हैं हम लोग, साथ में वी पार्टी, वी मतलब भोजन वाली पार्टी एंड ऑल दैट, अब अच्छा है। पहले पहले हम लोग कट्टर दुश्मन थे। अच्छा। एक बात और बोली जो इन्होंने इसमें दिखाई नहीं,
बोले थे कि जैसे कोई कैच आता है ना तो कैच छोड़ के इधर लोगों को देख के यू यू कर रहे होते हैं, उतनी देर में बॉल नीचे गिर जाती है। भाई अब मैं साउथ की फिल्में करता हूँ, मेरा क्रेज साउथ में भी है। क्या बात है, बोलता है वहां पे जैसे बोलता है अन्ना शिवा रेड्डी उल गतला यौल पुणगर। चुनाव भी जीता तो मैं कलाकार हूँ, इसलिए तो मेरी ये कला जिसके वजह से मैं जाना जाता हूँ, मैं पहले कलाकार हूँ जी। तो जब भी मुझे ऑडियंस दिखती तो मैं ऐसे खो जाता हूँ बिकॉज हम लोग आप लोग को वाइप आउट कर दें तो हम लोग की कोई औकात ही नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं है। So true. आप लोग ही। So true. तो आज जॉन है यहाँ पे, रवि हैं, मृणाल हैं। भाई कुछ अफवाहें हैं तो हम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके बारे में भी एक दो अफवाहें हैं। तो ये है कि जॉन आप जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बिना बोले सेल्समैन जो है वो आपको रंग बिरंगे अंडरवेयर दिखाने लगता है तो उसे लगता है कि आप यही लेने आए। इज इट ट्रू सर? मैं सच बोलूं जी, मैं सिर्फ अंडरवेयर की शॉपिंग करता हूं। वाह, इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई तो है खबर में। बॉम्बे में बहुत गर्मी है और इनकी इनसाइड स्टोरी, इनके पास सिर्फ दो पैर शूज हैं अभी इन्होंने कॉफी ब्रेक में बताया, और इज गॉट ओनली स्लीपर्स। ये कपिल का शो था इसलिए मैं जूते पहन के आया हूँ, नहीं तो मैं हमेशा चप्पल ही पहनता हूँ। भाई सेम हियर, मेरे को भी शूज पहनना और कपड़े वपड़े मेकअप लगाना मेरे को बहुत बड़ा टास्क लगता है ये। तो हफ्ते में दो दिन ही शूज पहनता हूँ मैं भी, शनि इतवार, बाकी आप हमें देख लो तो बस ऐसा ही है। अच्छी है, ओके। तो दूसरी अफवाह ये है कि आप मिरर देखना पसंद नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आपको खुद की नजर लग जाएगी। इज इट ट्रू? तौबा। एक्चुअली वो सेकंड पार्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन फर्स्ट पार्ट मैं लाइफ में मैं मिरर नहीं देखता हूँ। शूट पे भी जब भी मेरा जो वेंकी है जो मेरा मेकअप करता है वो मेकअप करता है, एक बारी एंड में दिखाता है मुझे, दिन में सिर्फ एक बार मिरर देखता हूँ मैं या नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं मिरर के सामने खड़ा ही नहीं होता हूँ। पता ही है ना कि हैंडसम जरूरत ही नहीं क्या देखा नहीं नहीं जरूरत की बात नहीं है। क्या होता है ना कि ये आदमी अपने आप में बहुत कंज्यूम हो जाता है, अगर देखता है तो उसको ये दिखाई देता है कि अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 10 चीजें दिखाई देता है उसके बाद, तो मैं देखता ही नहीं हूँ। मतलब ये आदमी अपने आप में ज्यादा हो जाता है, फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है हमेशा। अनिल कपूर साहब आप सुन रहे हैं, अनिल कपूर साहब हमेशा ऐसे क्या लग रहा है एकदम झकास। अच्छा एक अफवाह और भी है कि शाहरुख खान साहब ने अपने बेटे का नाम अब्राहम जो है वो आपसे लीज पे लिया हुआ है। ये तो अफवाह है, ये तो टोटल अफवाह है। रवि सर आपके लिए है कि यार बड़ी अजीब सी अफवाह है, कहते कि आप शूट पे प्रोडक्शन वालों को मना करते हैं कि मूली के पराठे किसी को नहीं खाने देना, माहौल गर्मा जाता है। ये कैसी अफवाह हुई रवि बताओ? ये देखो सही है। हिंदुस्तानी वैसे भी बहुत, यहाँ पर हमारे बहुत सारे भोजन में बहुत सारा मसाला, हम लोग को पता नहीं क्यों इतना सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एकदम गर्म रहें और एकदम जैसे कि मतलब समझ रहे हो जो इतना वेदर ऐसा है यहाँ पर कि बर्फ गिर रहे हैं। मुझे लगता है अंग्रेज लोग तड़का नहीं लगाते, ये हमारे इधर ट्रेंड है। ये बस एक ही जगह है बॉस, मसाले वाले जितने की वो GMD नहीं आते मुछड़े कितना कमा लिया मसाला बेच बेच के। एक्चुअली रवि आज ही मैंने पढ़ा ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग होता है ना हमेशा, एक ट्रेंड था कि अफ्रीकन में कोई एक नेशन है कीनिया या कहीं पे, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स उन्होंने रोक दिया क्योंकि किसी ने हवा छोड़ा, बैड एयर, पार्लियामेंट सेशन रुक गया, पार्लियामेंट सेशन 20 मिनट के लिए रुक गया और सब लोग ने वहां से इवैक्यूएट, सब लोग इवैक्यूएट हो गए क्योंकि किसी का पेट खराब था वहां पे। पर बंदे की ईमानदारी देखो, उसने सेशन अटेंड किया। हाँ लेकिन ये मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, फ्लाइट में भी अक्सर हम देखे मार धमाधम छोड़ते रहते आप लोग, मतलब आप लोग क्या वो छोड़ने के अलग से पैसे देते हो? मैं खाली जानना चाहता हूँ क्या आप लोगों को किसी ने बोला है कि आपको ये इतना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, आप चार बार तो छोड़ ही दीजिए। ये क्यों है, ये अत्याचार क्यों है, क्यों हम अपने नाक के बाल जलाएं, क्यों आपकी अय्याशी का भोग? और मैंने पकड़ा एक आदमी को,
क्योंकि जहाँ से वो आ रहा था मैं वॉशरूम की तरफ गया और वापस आते समय मैंने उसको देखा और मुझे पता था यही था और मैं खड़े रहूं या आगे चलूं उसकी तरफ देख के मैं क्या करूं. ओह गॉड. और कुछ लोगों का शेप और साइज ही होता है, पता चल जाता है कि यही है. और देखना अक्सर है ना, जो जो ज्यादा बहुत स्मार्ट होते हैं, जो ऐसी जिनको प्रॉब्लम है एकदम पोकर फेस होंगे. हाँ. पता ही नहीं चलेगा. ऐसे किताबों में खोए रहेंगे. नहीं और फील भी ऐसे कराएंगे कि सर क्या आप थे, आप थे क्या? और वो उसी में एयर होस्टेस को बुलाएंगे, कैन आई हैव सम स्प्रे प्लीज, सम एयर फ्रेशनर. रवि सर एक और अफवाह है, कहते हैं अनुराग कश्यप आपको अपनी फिल्मों में कास्ट करने से डरते थे. हाँ मतलब पता नहीं, मैं एक फिल्म किया था, आई आस्क्ड हिम, आई लव द वे यू मेक फिल्म. मैंने मुक्काबाज एक फिल्म की अनुराग सर के साथ, तो मैं इस दिन बैठा था उनके साथ, मैंने पूछा कि यार मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर करनी थी, बिकॉज मैं उस सब लोग बोलते हैं मैं उसी ब्रीड का एक्टर हूँ, उसमें मर्ज हो जाता अच्छे से, वो मेरा टॉपिक है वो फिल्म. तो मुझे बोला मैं कैन आई से रवि सर समथिंग, आई सेड व्हाट, बोले मुझे किसी ने बताया कि तुम सेट पे आते हो तो पहले तुमको बहुत वाइन से निलाया जाता था और तुमको अंगूर खिलाए जाते हैं, लाइक 2-3 गर्ल तुम्हें अंगूर एंड देन तुम अंगड़ाई लेके तैयार होते थे और उसके बाद तुम मूड में आते थे फिर शॉट देने. और दिस इज व्हाट किसी ने बोला. नहीं मैं और मुझे वो फिल्म नहीं मिली, गैंग्स ऑफ वासेपुर. एंड जस्ट मुझे आई वांटेड टू किल दैट पर्सन. इतनी अच्छी फिल्म थी वो. कैन यू इमेजिन कि मैं आऊंगा ना, मैं नहाया किधर कभी हुआ नहीं. इनफैक्ट टेल हिम, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा रवि सर के साथ, आई थिंक द मोस्ट प्रोफेशनल एक्टर. और सेट पे हमेशा टाइम पे, कभी वैन में नहीं जाते थे, ऑन द सेट शॉट्स देखे. आई मीन आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, लेकिन सेट पे देख के मैं और इतना खुश हो गया कि इंसान भी इतने अच्छे. आउटस्टैंडिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या बात है भाई, लव यू. पीपल आर क्रेजी यू नो. क्या क्या अफवाहें फिर है मनाल आपके बारे में. एक अफवाह है कि कॉलेज में लड़के आपको ये कह के छेड़ते थे कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे. सच्ची बोलते थे लड़के आपको? हमेशा मैं बहुत क्वाइट लड़की थी और मेरे बाल ना बहुत छोटे थे, लाइक आप लोगों के जितने. तो मुझे कोई एक तो लड़की मानता ही नहीं था, तो वो मृणाल भी एक लड़का था मेरे क्लास में. और अच्छा. मृणाल तो ऐसा था, क्रू और मृ वो दोनों हमारे नोटबुक्स साथ में रख देते थे. तो कृणाल बोलते ही मैं उठती थी और मृणाल बोलते ही वो उठता था. तो बोलते अरे ठाकुर, ये तभी वो डायलॉग आता था, इट्स नॉट कृणाल सालवी, इट्स मृणाल ठाकुर. बहुत बार बोलते हैं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर. आई एम लाइक गॉड. तो फिर हाथ आपने आज तक किसी को दिया? किसी को नहीं दिए अपने पास. कोई आया पसंद किसी को हाथ देना? फिलहाल तो जॉन है मेरे लेफ्ट में और आप दोनों हैं, तो आप ढूंढिए मेरे लिए. हमारी वैसे तो शादी हो गई है पर आप चाहें तो हम तैयार. ना 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 कपिल. इसका मतलब ये जो अफवाहें होती हैं, हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं नहीं ये सारी गलत होगी, कुछ कुछ सही भी निकलती हैं. देखो कितनी सारी अफवाहें सच भी निकली हैं. एनीवेज अच्छा आजकल ना ये एक ट्रेंड बड़ा चला है कि इंग्लिश फिल्में जो आती हैं उनको, जैसे अगर इंडिया में रिलीज हो रही तो हिंदी में, लाइक आई डिडंट फॉर एंग्री बर्ड्स, यू आल्सो, यस यस, एंड कीकू आल्सो. हाँ तो जैसे शाहरुख भाई ने वो एक लाइन किंग, हाँ वो उस फिल्म में किया. एक हमने सुना रवि भाई आपने भी कुछ स्पाइडरमैन का किया है. हाँ. उसको पहले स्पाइडरमैन को हिंदी में क्या क्या टाइटल दिया? माकड़ मानव. माकड़ मानव. माकड़ मानव. बस उसका कोई डायलॉग सुनाइए ना कुछ, अगर आपको कोई याद है तो. मैंने टोबी मैग्वायर को भोजपुरी में डब किया था. सो ए सुन रहे हमारी माकड़ मानव, और ढेर बोल ले अगर दुनिया के केहू के तकलीफ भइल तो तोरे छाती पे चढ़ के और टेटुआ दबा देवा और तो नाखून तोरे गलिया में डाल के खून चूस ले रे. सोचो अंग्रेजों ने जिन्होंने बनाई उनको पता भी नहीं होगा टेटुआ होता क्या. तो और टेटुआ दबा के नाखून डाल के खींच लेंगे, क्या बात है. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.